नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। देश के दूसरे राज्यों के पर्यटन स्थलों पर बिहार के पर्यटन क्षेत्र की जानकारी अब जल्द ही उपलब्ध होने वाली है। पर्यटन के लिहाज से बिहार को विकसित करने में नीतीश सरकार लगी हुई है। राज्य के पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए पर्यटन विभाग ने यह निर्णय लिया है। विभागीय समीक्षा बैठक में अब बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने इसको लेकर अधिकारियों को जरूरी जानकारी भी साझा कर दी है। इसको लेकर ही देश भर के पर्यटन स्थलों की रिपोर्ट तैयार करने का आदेश जारी हुआ है। इसके बाद उन सभी राज्यों के पर्यटन मंत्रियों को पत्र भेजकर वहां के पर्यटन स्थलों पर बिहार के संबंध में जानकारी देने का आग्रह किया गया है। जून तक अब दूसरे राज्यों से बातचीत भी शुरू हो जाएगी। बिहार के विभिन्न जिलों में कई पर्यटन स्थल है जिसे विकसित किया गया है। इन सभी पर्यटन स्थल तक पहुंच पथ जून तक बनाने का निर्देश दिया गया है। यानी कि अब बिहार में पर्यटन स्थलों के विकास और ब्रांडिंग के लिए सरकार भी कई स्तर पर काम कर रही है। ऐसे में सरकार विधायकों और सांसदों से सुझाव के अनुरूप इन केंद्रों का विकास करने वाली है। साथ ही राज्य के पर्यटन केंद्रों की ब्रांडिंग नए सिरे से होने वाली है। दिल्ली मेट्रो में प्रचार प्रसार करने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर ही पर्यटन विभाग दूसरे राज्यों से बातचीत करने वाले हैं। इसको लेकर पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इसके लिए ही अब राज्यों के पर्यटन मंत्री को पत्र जारी कर दिया गया है। साथ ही पर्यटन स्थलों पर बिहार के संबंध में जानकारी देने की बात कही गई है। इसी बैठक में नए पर्यटन केंद्रों को जल्द विकसित करने का निर्देश भी दिया गया है। अब सभी चिन्हित पर्यटन स्थल तक पहुंच पथ जून तक बनाने का निर्देश जारी हुआ है, जिससे पर्यटकों को वहां तक पहुंचने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इस काम में लापरवाही बरतने वाले अफसरों के साथ एजेंसी पर भी कार्रवाई की जाएगी। राज्य के सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों, मुखिया पार्षद और अन्य जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर नए पुराने पर्यटन क्षेत्र का विकास होने वाला है। पर्यटन विभाग ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। अभी तक बिहार के 30 से अधिक सांसदों, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों ने पत्र जारी कर विभाग को अपना सुझाव भेज दिया है। इसमें कई जिलों में नए स्थलों को पर्यटन के नक्शे में शामिल करने का सुझाव भी दिया गया है। पर्यटन विभाग की माने तो सांसद अजय निषाद, संजय जायसवाल, सुशील कुमार मोदी, मंत्री शाहनवाज हुसैन, विधायक विजय कुमार खेमका, पवन कुमार जायसवाल, डॉक्टर शकील अहमद खान, विजय सिंह, महानंद सिंह, मुरारी प्रसाद, पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी, पूर्व सांसद हरि मांझी आदि ने अपने अपने क्षेत्र के पर्यटन स्थलों की स्थिति में सुधार को लेकर विभाग को पत्र भेजा है। पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने बताया कि सभी जनप्रतिनिधियों के पत्र का जवाब विभाग की तरफ से भेज दिया गया है। संबंधित जिलों के डीएम को सदस्यों के माध्यम से चिन्हित क्षेत्रों को जल्द विकसित करने की योजना बनाने को कहा गया है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।